कासगंज जिले में एक महिला ने केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को चिकित्सकों ने 95% आग से झुलसने की पुष्टि कर प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया। आज सौशिया जिला अस्पताल में लाई गई ये महिला अमानपुर थाना क्षेत्र के नगला झिंगन निवासी राममूर्ति की पत्नी शकुंतला है, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर दिनकर ने प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला के पति राममूर्ति से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर पर खाना बनाते समय आग लग गई, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से जल गई है। उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व बदायूं जिले से बरसुआ गांव से हुई थी। भले ही जली महिला का पति राममूर्ति सिलेंडर से लगी आग से जलने की बात कर रहा है, लेकिन महिला के कपड़ों में आ रही केरोसिन की महक केरोसिन डालकर आग लगने की पुष्टि कर रही है। वहीं उपचार के दौरान डॉक्टर दिनकर से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि महिला 95% जल चुकी है और उसकी हालत ज्यादा गंभीर है, जिसको लेकर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इसकी हालत बहुत गंभीर है, 100% बर्न है। अब कुछ घरेलू विवाद है। हाँ, केरोसिन मैं खा रही थी, गैस पर खाना बना रही थी, गैस सर्व कर रही थी, उसमें से आग निकल गई, उनके लग गई। कैसी हालत है? हालत अब गंभीर है। क्या रेफर किया जा रहा है? हाँ जी। कौन से गांव का मामला है? ये जीवन गाँव है, जिसमें अब ये सर जी मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, अंदर में तो नीचे भैंस भी आ गई थी, वहाँ नीचे था ऊपर की, मेरे घर खाना बना के छोड़े आया, मैं ऊपर जा गया। महिला के पूरे शरीर पर केरोसिन की महक आ रही है, क्या कहेंगे? अब सर जी मेरे को नहीं मालूम क्या आया क्या नहीं है। आई एटा से आरबी द्वैदी की रिपोर्ट।